हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्या पूछा हुआ है। तो आपको वेक्टर पॉइंट फंक्शन वी वेक्टर का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन निकालना है ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, और आपको ये भी बताना है कि जो वी वेक्टर है वो कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड है, और आपको इक्वेशन भी प्रूव करना है, वी वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। तो चलिए सबसे पहले हम इसका नेसेसरी कंडीशन निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास जो लेट वी इज़ दी कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, देन वी हैव टू शो दैट वी वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, जैसे कि हमको क्वेश्चन में बताया हुआ था। उसके बाद आपको देखिए, अगर हम किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी डॉट वी प्लस वी डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू टू वी डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो वी है वो कांस्टेंट है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास वी कांस्टेंट है तो देयरफॉर डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा इम्प्लाइज करेगा वी वैक्टर डॉट डी वी वैक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू वी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले प्रूव कर रखा है डी वी वैक्टर अपॉन डी टी हमारा जीरो है। उसके बाद हम सफिशिएंट कंडीशन इसका प्रूव करेंगे। तो मान लीजिए वी वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो है, और ये हमने इससे नेसेसरी पार्ट ने प्रूव किया हुआ था। उसके बाद हमको शो करना है कि जो हमारा वी वेक्टर है वो उसका कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। तो सिंस हमको ये पता है वी वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, उसके बाद देखिए ये आपका इम्प्लाइज करता है अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो तभी होगा, या तो आपका वी वेक्टर का वैल्यू जीरो होना चाहिए या तो डी वी वेक्टर अपॉन डी टी का वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो है वी वेक्टर का वैल्यू जीरो है, तो इससे हमको पता चलता है कि जो मैग्नीट्यूड है वी वेक्टर का वो जीरो है। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो आता है तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है। और उसके बाद हमको पता लग गया दैट इज़ वी वेक्टर इज़ ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड। उसके बाद मान लीजिए अगर हमारे पास वी वेक्टर का जो वैल्यू है जीरो नहीं होता है, यानी कि डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डी वी वैक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो यहाँ से हमको पता लगता है कि जो वी वैक्टर है ये कॉन्स्टेंट वैक्टर है और साथ में कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड भी है। तो यहीं से हमारा सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूव होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव अलोंग दी कर्व एक्स इक्वल टू ए कॉस टी, और वाई का वैल्यू दिया है इक्वल टू ए साइन टी, और जेड का वैल्यू बी टी। फाइंड दी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है टी इज इक्वल टू जीरो और टी इज इक्वल टू पाई बाई टू के ऊपर। तो आपके पास एक वैल्यू होता है आर वैक्टर का, और जिसको हम पोजिशन वैक्टर भी बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यहाँ पे एक्स और वाई जेड का वैल्यू आपको दिया ही हुआ, तो आपको पोजीशन वेक्टर में पुट कर देना है। तो हमने जैसे कि पहले पोजीशन वेक्टर लिया होता कोई भी एनी टाइम टी के ऊपर, तो इसके ऊपर हम वेलोसिटी निकालेंगे। हमारे पास इसका वैल्यू होता है डी आर वेक्टर बाय डी टी, और आर वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर है, और एसेलरेशन का जो वैल्यू होगा डी स्क्वायर आर वेक्टर डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो आर वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा एक्स वाई और जेड का वैल्यू पुट करने के बाद, ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस बी टी के कैप, और उसके बाद आपका वेलोसिटी तो आपको पता ही हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली इसका डिफरेंशिएट कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस, कॉस का हो जाता है माइनस साइन और साइन का हो जाएगा कॉस। तो उसके बाद हमको वैल्यू निकालने के बाद वेलोसिटी निकालना है एट टी इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू जीरो, और आपको करना है कि यहाँ पे साइन के एंगल में टी इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए साइन जीरो आई कैप प्लस ए कॉस जीरो जे कैप प्लस बी के कैप। उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद आपको पता है कि साइन जीरो का जो वैल्यू होता है जीरो होता है और कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा ए जे कैप प्लस बी के कैप। तो जैसे आपने वेलोसिटी का वैल्यू निकाला टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, उसी प्रकार से आपको टी इज इक्वल टू पाई बाई टू के ऊपर वैल्यू निकालना है। तो आपको सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें माइनस ए साइन पाई बाई टू आई कैप प्लस ए कॉस पाई बाई टू जे कैप प्लस बी के कैप। उसके बाद जो आपका ए वेक्टर एसेलेशन है जैसे कि आपको पता ही, और इसका वैल्यू होता है डी स्क्वायर आर वेक्टर अप डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाय डी टी ऑफ
वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। तो ये वेलोसिटी का वैल्यू होता है हमारे पास, और इसका वैल्यू हमने पहले भी निकाल रखा, तो हम लिखेंगे डी वाई डी टी ऑफ माइनस ए साइन टी आई कैप प्लस ए कॉस टी जे कैप प्लस बी के कैप। और इसको फर्दर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन का कॉस हो जाता है और कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा माइनस ए कॉस टी आई कैप माइनस ए साइन टी जे कैप प्लस जीरो। उसके बाद आपको एसेलेशन निकालने के बाद आपको निकालना होगा एट टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर आर वेक्टर डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर एट टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो हमारे पास जो वैल्यू आया था उसमें टी की जगह पे जीरो डाल देना, तो यहाँ पे कॉस जीरो और साइन जीरो हो जाएगा। और कॉस जीरो का वैल्यू आपको पता ही है क्या होता है, वन होता है, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए आई कैप। उसके बाद हम एसेलेशन का वैल्यू निकालेंगे एट टी इज इक्वल टू पाई बाय टू के ऊपर। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए कॉस पाई बाय टू आई कैप माइनस ए साइन पाई बाय टू जे कैप। और आपको पता है कि कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है, और साइन 90 का वैल्यू वन होता है, जिसकी वजह से हमारा ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा माइनस ए जे कैप। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको इसी तरह से और वीडियो देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।